उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर फैजाबाद छात्र सभा जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोरोना वैश्विक महामारी में छात्रों के शैक्षिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ ही अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान परिवेश में आमजन का जीवन यापन अव्यवस्थित है। ऐसे समय में सरकार द्वारा जीरो फीस की सुविधा समाप्त करना दलितों व कमजोर वर्ग के छात्रों के अधिकारों पर कुठारघात है। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े एवं गरीब सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति रोके जाने की वजह से छात्रों का पढ़ाई जारी रखना दुर्लभ हो गया है। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व गरीब सामान्य वर्ग के छात्र कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। महोदया, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी छात्र सभा आपसे सादा अनुरोध करता है कि जीरो फीस व छात्रवृत्ति की सुविधा को जारी रखने हेतु शासन को निर्देशित करें, जिससे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं गरीब सामान्य वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। देखिए, फैजाबाद से स्वराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। श्री दिग्विजय सिंह देव जी के निर्देश पर, आह्वान पर फैजाबाद समाजवादी पार्टी निम्न मुद्दों पर ज्ञापन देने आई है। जिलाध्यक्ष इंद्रजीत वर्मा के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ ज्ञापन देंगे, साथ में महानगर अध्यक्ष उदयवान जी, हम स्वयं सब लोग छात्र सभा की पूरी टीम जिले की, जनपद की, या डीएम साहब को ज्ञापन देने आई है। इसमें हमारे कुछ निम्न मुद्दे हैं। पहला ये कि अपने एससी के वर्ग के जो छात्र थे उनकी जीरो बैलेंस पे वो प्रवेश हुआ करते थे, जो इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। छात्र विरोधी सरकार है, जितने भी मुनाफे फायदे के, छात्रों के फायदे के जितने भी नियम थे उन्हें बंद कर दिए। साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के सभी छात्रों की लगभग छात्रवृत्ति काटने का काम कर रही है सरकार, उस संबंध में ज्ञापन देने आए। उसके बाद हम स्कॉलरशिप फीस वृद्धि को लेकर ज्ञापन पॉइंट है, जिसमें कोरोना काल में सभी लोग परेशान रहे, उसके बावजूद भी सरकार ये सब ना देखते हुए छात्रों की फीस वृद्धि कर रही है, जिससे निम्न वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े सभी छात्र परेशान हैं, और हम फीस वृद्धि को तत्काल रोकने का मांग करते हैं। इसी संबंध सभी लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके कार्यालय पर आए।